आज छत्तीसगढ़ राज्य 22 साल का हो चुका है और ऐसे में इस आयोजन को मनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने खास तैयारियां की है। 9 अलग अलग देशों से कलाकार बुलाए गए हैं जो कि अलग अलग प्रस्तुतियां देंगे। राज्योत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 1, 2 और 3 नवंबर को यह कार्यक्रम रखा गया है। बड़े हर्षोल्लास के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सरकार के मंत्री अमरजीत भगत, रामधन साहू समेत तमाम मंत्रियों ने मिलकर कार्यक्रम की शुरुआत की और महोत्सव में करीब दुनिया भर के 9 अलग अलग देशों के कलाकार शामिल हो रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक उत्सव के रूप में धूम देखने को मिल रही है। अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर को सजाया गया है और अलग अलग लजीज व्यंजनों का स्वाद फूड जोन में लोग ले रहे हैं। तमाम तरह के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार तीसरी बार राज्योत्सव मनाने जा रही है और ऐसे में खास तैयारियां जो है आज दिन भर आज देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ का आज स्थापना दिवस है, या यूं कहें कि आज छत्तीसगढ़ 22 साल का हो चुका है। छत्तीसगढ़ की उम्र 22 साल हो चुकी है। राज्योत्सव का सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया, दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई और आज दिन भर, आज से लेकर 2 नवंबर और 3 नवंबर यानी कि पूरे 3 दिन तक एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। जोरदार स्वागत यहां पर सीएम भूपेश बघेल का किया गया सरकार के मंत्रियों के द्वारा और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर हुई है। 1 से 3 नवंबर तक चलने वाले कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और लोक कलाओं की झलक देखने को मिल रही है। इस बार राज्योत्सव बेहद खास है क्योंकि राज्योत्सव में नृत्य महोत्सव के साथ साथ इस बार दुनिया भर के 9 अलग अलग देशों के कलाकार शामिल हो रहे हैं जो कि अलग अलग प्रस्तुतियां मंच से देंगे, सुंदर प्रस्तुतियां लगातार दे रहे हैं। और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी शिवम मिश्रा से, चलेंगे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड। शिवम मिश्रा, तस्वीरें दिखाइए पहले, किस तरह की धूम देखने को मिल रही राज्योत्सव में और कितना उत्साह है छत्तीसगढ़ की जनता में, कौन कौन शामिल है, किस तरह की प्रस्तुतियां? शिवम मिश्रा। बिल्कुल शुभम, देखिए आज छत्तीसगढ़ को 22 साल पूरे हो चुके हैं और इसी अवसर पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो है वो 3 दिवसीय मनाया जा रहा है। मैं बिना समय खराब किए मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर अलग अलग जो कलाकार हैं, आदिवासी कलाकार हैं, चाहे वह हमारे देश की बात की जाए, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम प्रदेशों से यहाँ पर कलाकार आए हुए हैं। तो वहीं जो है विदेशों के भी कलाकार यहाँ पर पहुंचे और लगातार एक अलग ही उत्साह के साथ आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल हो रहे हैं, अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये कलाकार आदिवासी कलाकार छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के ही हैं। खैरागढ़ जिले के कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये कर्मा नाच जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। कर्मा नाच छत्तीसगढ़ का बहुत ही पारंपरिक नाच माना जाता है। अलग अलग पर्व पर कर्मा नाच जो है आदिवासी समुदाय के लोग वो गाकर अपनी खुशियों को यहाँ पर जाहिर करते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक अपनी अलग ही धुन पर, एक अलग ही उत्साह के साथ जो आदिवासी हैं वो यहाँ पर पारंपरिक नाच करते हुए, पारंपरिक गीत पर अपना एक अनोखा नाच करते हुए नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ इनमें बड़े उम्र के लोग हैं बल्कि छोटे बच्चे भी इनमें नजर आ रहे हैं और प्रकृति के साथ जो इनके वेशभूषे हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना आनंद लेते हुए यहाँ पर अपनी ही धुन पर, अपने ही जो है नृत्य करते हुए यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं। तो एक बहुत ही अलग नज़ारा इस वक्त राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव किया जा रहा है यहाँ पर और न सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों में भी छत्तीसगढ़ का नाम, एक छत्तीसगढ़ की अलग पहचान अब यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर कर्मा नाच कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर कितना पारंपरिक ये नाच है, कर्मा नाच कितना पारंपरिक नाच है, कितना महत्व है छत्तीसगढ़ में कर्मा नाच का। छत्तीसगढ़ में हमार गोंड आदिवासी मूल जनजाति के यहाँ लोक नृत्य है जेन हाँ अपन शादी है और नवा खाई है, फसल कटाई है, एकर अवसर में मन बड़ा मतंग हो के नाचते साहब है मन हा। कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा आदिवासी महोत्सव हो रहा है, आदिवासियों को एक अलग पहचान मिल रही है? छत्तीसगढ़ के सरकार हा हमार गोंड मन पर, आदिवासी मन पर आपका अच्छा अवसर दे साहब कि पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत नहीं विश्व के कई देश के गोंड आदिवासी मन आए और बड़ा मजा के साथ में उमन अपन खुशी जाहिर कर रहे थे। आनंद आ रहा है पूरा एकदम गदगद हो गए साहब।
तस्वीर यहाँ पर गोड आदिवासियों की हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि कितना आनंद लेकर आदिवासी जो है वो अपनी धुन पर यहाँ पर नाच रहे हैं, अपने ही गीत यहाँ पर गा रहे हैं और एक अलग ही उत्साह, अलग ही माहौल और खुशी का माहौल राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ में साइंस कॉलेज मैदान में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित ही एक अलग उत्साह यहाँ पर है और न सिर्फ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले बल्कि पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से जो है यहाँ पर आदिवासी कलाकार पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ कुछ छोटे नन्हे कलाकार भी यहाँ पर हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं कौन सा आप लोग वेशभूषा पहने हैं। क्या नाम है आपका? लीलेश्वरी। लीलेश्वरी, क्या वेशभूषा है आपका? आदिवासी भुंजिया नृत्य। कैसा लग रहा है यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, तो देखिए एक अलग ही उत्साह यहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों में, बच्चों में, कलाकारों में जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और निश्चित ही आदिवासी समुदाय के अलग अलग संस्कारों की, अलग अलग पारंपरिक वेशभूषाओं की, अलग अलग नाच की, अलग अलग नृत्य की जो है यहाँ पर कला और प्रकृति देखने को मिल रही है। बिल्कुल शुभम, उत्साह तो आपने दिखा दिया, बिल्कुल तस्वीर में बिल्कुल नजर भी आ रहा है और बड़े उत्साह के साथ में यहाँ पर आदिवासी लोग नृत्य कर रहे हैं, परंपराओं को उकेरने की कोशिश यहाँ पर मैदान में कर रहे हैं। एक बात और जानना चाहूंगा आपसे, चूंकि दो दिन आज कार्यक्रम और चलेगा, आज पहला दिन है यानी 3 नवंबर तक कार्यक्रम चलेगा, तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है और ऐसे में भव्य कार्यक्रम देखने को मिल सकता है। आज शाम को कार्यक्रम कैसा देखने को मिलेगा, शाम की तस्वीर कैसी होगी, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि जब शाम हो जाएगी तो तैयारियां, लाइटिंग और ज्यादा लग जाएगी, लोग जुटेंगे, रायपुर के भी लोग निकल कर सामने आएंगे, वो किस तरह का नजारा होगा देखने वाला होगा। बिल्कुल शुभम, मैं आपको नजारा तो इस वक्त भी राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान का दिखाना चाहूंगा और आपको दिखाऊंगा तस्वीर पर और कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल जो है इस वक्त नजर आ रहा है। ये एक अलग स्टेज यहाँ पर तैयार किया गया है, जो आदिवासी कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, वो यहाँ पर आकर के अपनी प्रस्तुति देते हैं और प्रस्तुति देते ही लोगों के मन में जो एक उत्साह है वो देखने को मिलता है। लोगों की भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का माहौल राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। आदिवासी नृत्य महोत्सव यहाँ पर चल रहा है और प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 का आनंद उठा रहे हैं। मैं आपको स्टॉल्स की अगर बात करें तो राज्य सरकार की जो इस वक्त प्रदेश में महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं उसके करीबन अलग अलग 21 स्टॉल जो है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्टॉल तैयार किए गए हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जो है कुम्हारों को इतना बढ़ावा देते हैं उसके लिए शिल्पग्राम के एक अलग से स्टॉल तैयार किए गए हैं जहां पर कुम्हारों की अलग अलग कलाकारी देखने को मिल रही है और झांकी छत्तीसगढ़ महतारी की वहां पर तैयार की गई है जो रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा जगमग होगी, एक अलग लाइट वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। तो निश्चित ही एक अलग माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है और शाम होते ही जब यहां पर लाइटिंग लगेंगी, जब अलग अलग सजावट रहेगी तो वहां का और भी एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। और अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें तो शाम के वक्त जो है इजिप्ट और यूरोप के कलाकार जो है वो अपनी प्रस्तुति मुख्य मंच पर देंगे। जी शुभम, आदिवासी नृत्य महोत्सव की बात अभी आप कर रहे थे, ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है, 9 देशों के कलाकार यहाँ पर शामिल हुए हैं, उन जरा कलाकारों से बात करने की कोशिश भी कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि छत्तीसगढ़ आकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, राज्योत्सव का हिस्सा बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं। शुभम मिश्रा। बिल्कुल शुभम, देखिए कलाकारों से तो हम बातचीत की करने का प्रयास ही करते और जो कलाकार हैं जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं उनका शेड्यूल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोकल स्तर पर टाइट रखा गया है, कलाकार सीधे मंच पर ही जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ कलाकार हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं, तो कौन सा नाच आप लोगों का है आदि? हम सोंगी मुखोटे डांस। क्या इसका महत्व है महाराष्ट्र में? ये महाराष्ट्र में इसका महत्व है, जब हम सप्तशृंगी देवी की पूजा करते हैं उस टाइम ये डांस करते हैं, उनके प्रसन्न होने के लिए वो डांस करते हैं। तो किस तरीके का डांस है कुछ करके यहाँ पर? ये जो मुखोटे पहन के कोई वेताल, काल भैरव, नरसिंह, ये मुखोटे पहन के कोई लड़के हाथ में डंडिया लेकर डांस करते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में आना हुआ है कि? ये इसके पहले भी आए थे लेकिन वो गवर्नमेंट का प्रोग्राम, लेकिन ये जो डांस कॉम्पिटिशन है, जो आदिवासी डांस कॉम्पिटिशन, ये करने के लिए पहली बार इधर आए। किस
तरीके से देखते हैं इस डांस कॉम्पिटिशन को, आदिवासी जो नृत्य महोत्सव हो रहा है, आदिवासियों को एक अलग जगह मिल रही है छत्तीसगढ़ में? जो ये छत्तीसगढ़